never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. जेसी भी उफ बकाओ लोडर एक भारी भरकम थकेला वाहन जिसको आप इधर उधर बदमाशी करते हुए देख सकते हैं। यह कभी रोड तोड़ता है, कभी घर तोड़ता है, कभी जमीन पर गड्ढा करने लगता है, कभी उल्टे पुल्टे हरकत करने लगता है। मतलब इसे शांति से बैठा ही नहीं जाता। घर का एकदम नलायक बच्चा है ये, पर जितना यह थकेला दिखता है उतना है नहीं। इसकी लाइफ भी एकदम रोमांचकारी है और इसको चलाने वाले सारे बैकबेंचर्स है। हाँ भाई, वही नलायक बच्चे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। गुरु करे शुरू। ये देख लो, अब मालिक करे तो क्या करे। जिस मशीन को हर 15 मिनट में 1 लीटर खून की जरूरत होती है, एक लीटर पेट्रोल सोख लेता हो, उसे ये लोग नचनिया बना दिए। खैर मुझे क्या, मैं भी नयन तृप्ति कर ही लेता हूँ। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो। ये देख लो, कॉन्फिडेंस, विश्वास, स्किल, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का जीता जागता एग्जाम्पल। फालतू की बातें हमसे मत करना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये काम उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। भाई ने कितनी सजगता, निपुणता, गुणवत्ता से इस काम को एकदम सेटिस्फैक्टरी बना दिया है। भाई को मेरी तरफ से शाबाश, बहुत अच्छे, उम्दा प्रदर्शन। स्किल और जिगरा क्या होता है, ये वीडियो के लिए उसका एक पूरा का पूरा पैकेज है जो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। इसे बस एक्सपीरियंस से ही हासिल किया जा सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जेसीबी को कैसे उतारना है आपको तो पता चल ही गया, अब जेसीबी को चढ़ाना कैसे है ये भी देख लो। अरे यार, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई कमी ही नहीं है। जब पैशन ही प्रोफेशन बन जाता है ना, तब कुछ ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। ग्रेट। बर्तन की कमी होने से ये लोग जेसीबी के बकेट में ही खाना बनाने लगे। अरे कुछ तो शर्म करो, तुमने इस बकेट से पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारा होगा। नहीं, हाथ मारा होगा। खैर, और देख भी क्या सकते हैं बैक पेंचर से, एक कुछ भी कर सकते हैं। देख रहे हो विनोद, किस तरह जेसीबी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वैसे यहाँ जेसीबी से नहाया जा रहा है, लेकिन अब ये देखिए, जेसीबी से जेसीबी को ही नहलाया जा रहा है। खूब ठंडा है। बाप बेटे दोनों एक ही जैसे हैं, एक बैक बेंचर है और दूसरा अड़ियल बिगड़ायल। अच्छा। इसकी माँ का भरोसा। अरे भाई तू जेसीबी चला रहा है, कुछ तो लाज रखी इसकी, तो मर्सिडीज में नहीं है। तेरा ये स्टैंड धुआं हो जाएगा जिस दिन तू गिरेगा। और मैं बता रहा हूँ, ये गिरते फिरते भी रहते हैं। अब आया ना लाइन पे। तुम का समझे थे 360 डिग्री रोटेशन सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार ही कर सकती है, नहीं, ये हाथी भी कर सकता है। अरे ये क्या हो रहा भाई। अरे छोड़ दो उसे। नहीं, छोड़ना नहीं, नीचे उतारो उसे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और यहीं पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।